हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मायसेल्फ सरोज कुमार यादव, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एफएसटी 16। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग विद करंट इतना एंड इतना लेस अलोंग X and Y, the equation of locus of point zero magnetic induction, मतलब एक पॉइंट पे हमारे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड नेट जीरो हो रही है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी B नेट क्या हो रही है, B नेट जीरो के बराबर हो रही है। ठीक है, दो वायर इनफाइनाइट, तो इनका अगर देखा जाए तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, ये हमारा होगा इनफाइनाइट की वजह से म्यू नॉट अपॉन 2 बाई आई। आई वन कितना करंट दिया है, 3 आई बाई एक्स। ये दूरी कितनी है, ये हमारी है वाई। ठीक है, वैसे इसके लिए देखेंगे सेकंड के लिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसकी ये डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन निकालते हैं कैसे, आई डीएल क्रॉस आर। ठीक है, तो आई डीएल कहाँ है, आई में, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई जे के, तो ये कहाँ होगा, के की तरफ। ठीक है, वैसे इसका करें तो इसका क्या हो जाएगा, करंट कितना दिया है, I2, 2I के बराबर, डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, X और ये Y। डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या होगा, IDL क्रॉस R, तो IDL कहाँ है, IDL है हमारा J क्रॉस I, ये क्या हो जाएगा, माइनस K के बराबर। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक, तो नेट करना है तो हम क्या करें, दोनों को बराबर कर दें, तो दोनों को बराबर कर दें, B1 is equal to B2, ये अगर B1 है और ये B2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, B1 B2 के बराबर, तो mu not upon 2 pi 3 I upon Y is equal to mu not upon 2 pi 2i upon x। ठीक है, ये mu not by 2 pi ये कैंसिल हो गया, i से i कैंसिल हो गया, तो y इस पर 2 कितना हो गया, इसको इधर लेके गए 3x by 2 के बराबर, कितने दूरी पे, 3 by 2x पे, y बराबर इतने पे हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन होता है म्यू माइनस वन ए के बराबर। ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए हमारा मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये होता है इन रिस्पेक्ट टू एयर एंड व्हेन इट्स डिप्ड इन वाटर विल बी, हमसे पूछ रहा है कि जब एयर से वाटर में डिप करेंगे तो हमारा मतलब इनका डेविएशन का रेशियो क्या होगा, पहले को मान ले म्यू डेविएशन 1 डेविएशन 2। ठीक है, पहला कहां से, म्यू एयर से ग्लास माइनस 1 ए अपॉन, ये सेकंड है, ये हमारा हो जाएगा म्यू, कहां से, वाटर से ग्लास माइनस 1। ठीक है, एयर से ग्लास और ये फिर वाटर से ग्लास ए, दोनों का क्या कर दें, ये रेशियो ले लिए, ए ए कैंसिल, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन, ये क्या है,
वाटर से ग्लास, वाटर से ग्लास है तो इसको हम पहले क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं म्यू एयर टू ग्लास अपॉन म्यू म्यू एयर टू वाटर माइनस वन, इसको रख दे 3/2 - 1 अपॉन ये कितना है, ये हमारा है 3/2 अपॉन इसको रखें तो ये कितना हो जाएगा 4/3 - 1 इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 अपॉन ये 3 ऊपर चला गया 9/8 - 1 8 कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 में से 8 गया 1 तो ये आ जाएगा ये 8 ऊपर चला गया 8/2 = 4 ठीक है तो ये कितना आ जाएगा रेशियो 4:1 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट देख लो अच्छे से। नेक्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय द कंकेव मिरर, कंकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनती है ठीक है, कंकेव मिरर के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल हुआ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ वर्चुअल हुआ तो उसकी इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है तो हमारा ये क्या हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ये ऑलवेज रियल ऑलवेज वर्चुअल तो होगा नहीं ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी बनती है रियल, और रियल के लिए क्या बनेगी वर्चुअल, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट टू वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय कितना, पाई बाय 1 = a sin ये हमें दिया है, पाई बाय 6 पाई 2 = a cos ओमेगा t ये क्या दिया है, ये sin के फंक्शन में है ये cos के फंक्शन में है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे sin के फंक्शन में ठीक है, ओमेगा t पाई बाय 2। नेक्स्ट टू वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय y = ये दिया है sin ओमेगा t + पाई बाय 6 एंड y2 = a cos omega t are superimposed, what will be their resultant amplitude ठीक है, इसका resultant amplitude क्या होगा, इसमें कितना दिया है a amplitude, इसमें भी क्या है a, ये किसका function है sin, या तो दोनों sin के function में कर लें या दोनों cos के function में कर लें, इसको sin के function में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा sin omega t, और ये जब sin से cos में जाता है तो कितने का difference होता है pi by 2 का, तो यहां से कितने एंगल का कितना डिफरेंस हुआ, ये 90 से 30 को ये पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो फेज डिफरेंस यहां से अगर इनका फेज का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री यानी पाई बाय 6 तो ए रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, ए रिजल्टेंट हमारा हो जाएगा अंडर रूट a² + a² + 2a into a cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2 ये 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारा a √3 के बराबर, कितना हो जाएगा a √3 के बराबर आंसर थर्ड, डिफरेंस क्या हो रहा था हमारा एंगल का 60 डिग्री। नेक्स्ट ए होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इस charge such that the potential on surface is 10 volt. The potential at the center of the sphere, ठीक है? ये hollow है, ठीक? हमसे कह रहा है कि इसके surface पर कितना potential दिया है? 10 volt. अब इसके हमें center पर क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ठीक है? Hollow sphere है, तो इसका इसका center से लेके और हमारा surface तक, center से लेके हमारा surface तक potential क्या होती है? Same होती है. V क्या होगी? Same होगी, ठीक है? जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे होगा, वही इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमारी पोटेंशियल क्या रहेगी? 10 वोल्ट ही रहेगी। नेक्स्ट ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट टुवर्ड द फिक्स्ड एंड व्हेन द This wave travel back after reflection. क्या कर रही है? Reflection के बाद फिर back कर रही है. A node is formed at a distance 10 cm from the fixed end.
फिक्स्ड एंड का मतलब नोड से नोड हमें क्या कर रहा है, नोड से नोड यानी लैम्डा बाय 2 कितना दे रहा है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो लैम्डा स्क्वायर 2 कितना हो जाएगा 0.2 मीटर के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड क्या होगी, तो ये होगी v इक्वल टू f लैम्डा फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 100, ये कितना आया है 0.2, पॉइंट हटाया ये कैंसिल 20 मीटर पर सेकंड, कितनी आएगी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, आंसर सर देख लो। नेक्स्ट कर रहा है इफ द फिगर शोन एट द प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर ए फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, हम अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमारी क्या बढ़ती है, करंट बढ़ जाती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी कट ऑफ पोटेंशियल और क्या होगी, और निगेटिव होगी। ठीक है, तो चेक करते हैं ए और बी, ए और बी को देखा जाए तो यहाँ क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल सेम है, यानी इन दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी सेम, बी के लिए हमारा इंटेंसिटी क्या दे होगा ए से। ठीक है, इस का कंपेयर किया जाए तो इसमें हमारी क्या हो रही है, करंट सेम हो रही है, यानी इंटेंसिटी बी और सी में इंटेंसिटी क्या होगी सेम होगी, और ये जो सी है सी मोर निगेटिव हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी गई होगी और बढ़ा दी गई होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कट ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं कर्व ए एंड बी, ए एंड बी में क्या हो रहा है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है और इंटेंसिटी क्या हो रही है बढ़ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ये तो सही बात है, यहाँ पे क्या हो रही है फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है बट डिफरेंट इंटेंसिटी, लेकिन इनकी इंटेंसिटी क्या है अलग अलग, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट ही क्या हो गया करेक्ट। आगे भी चेक कर लेते हैं बी और सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन, यहाँ पे क्या होगा सेम होगा, रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट है, इंटेंसिटी भी कह रहा है डिफरेंट होगी, जबकि हमारा करंट क्या है सेम, तो हमारी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए सेम, लेकिन ये कह रहा है डिफरेंट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत। बी और सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जबकि यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है चेंज हो रही है, ये भी गलत है। ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा गलत गलत गलत, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट इनफाइनाइट पैरेलल वेक्टर ऑफ 2n 1 by 2n मतलब हाफ होता जा रहा है आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द रिजल्टेंट s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, r क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा a क्या है फर्स्ट टर्म 2 अपॉन 1 माइनस कितना हो रहा है हर में डिफरेंस आधा हो रहा है हर में हाफ, तो इसको कर रहे हैं 2 अपॉन यहां से 2 कॉमन करें तो 2 माइनस 1 1 बाई 2 यानी ये क्या आ गया 4 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन के बराबर देख लो। ये हमारा बेस्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ये हमें दिया है इक्वेशन, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, ठीक है एंटी नोड का पोजीशन हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हम पहले क्या निकाल लें वेवलेंथ k is equal to क्या होता है 2 pi by lambda propagation constant, तो lambda is equal to क्या हो जाएगा lambda is equal to हो जाएगा 2 pi upon k, k की वैल्यू कितनी दी गई है pi by 10 ये pi से pi 20। ठीक है, एंटीनोड कब मिलता है हम lambda by 4 पे, ठीक है तो एंटीनोड पहला कहां मिलेगा 20 by 4 यानी 5 पे, पहला कहां मिलेगा एंटीनोड 5 पे। ठीक है, और 5 के बाद हमारा सक्सेसिव ये हमारा पहला एंटीनोड, ये एंटीनोड
नोड एंटी नोड ऐसे ही नोड आगे बढ़ते जाएंगे। तो एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाई टू। कितनी होती है, लैम्डा बाई टू। तो लैम्डा बाई टू अगर हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 20/2, 10। ठीक है, तो अगर पहला हमें कितने पे मिला है, 5 पे। अगर हमें पहला कितने पे मिला है, 5 पे, तो दूसरा कितने पे मिलेगा, 10। 10 को छोड़ के तो ये कितना हो जाएगा, 15। मतलब पहला 5 पे तो दूसरा 15 पे। ठीक है, 10 के बाद फिर 10 के बाद कितने पे, 25 पे, फिर 35 पे, फिर 45 पे। ऐसे हमारा एंटी नोड मिलेगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, 5, 15, 25, ऐसे 35, 45 बढ़ते चला जाएगा। देख लो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी, डायपोल की वजह से क्या होता है, K P R/R³ के बराबर। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट करता है, पोटेंशियल हमारी क्या होती है, स्केलर होती है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पोजेस फ्रॉम द फिफ्थ एनर्जी पासेस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। कहां से हो रहा है, फिफ्थ से पहले पे आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ दैट एटम एक्वायर एज द रिजल्ट आर फोटोन एमिशन विल बी, हमसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या होता है, h/λ। तो ये क्या होगा, mv=h/λ। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/m/1λ। और 1λ को हम क्या लिख सकते हैं, h/m। एटम क्या है, हाइड्रोजन, r ब्रैकेट में कहां से, पांचवे से फर्स्ट पे आ रहा है, 1^2 - 1/5 इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/r/m। ये हो जाएगा, अगर 5 कॉमन 25 कॉमन किए तो ये हमारा आ जाएगा 25 - 1/25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, v इज इक्वल टू h/r/m 24/25 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है ऐसा, थर्ड देख लो अच्छे से। The minimum wavelength of radiation emitted by the electron in ground state of Bohr's hydrogen atom is कितना? 4/3 of a certain wavelength, energy associated with which certain wavelength is। ठीक है, energy associated कैसी होगी? ठीक है, ये हमारा क्या है, lambda minimum by lambda कितना दिया है, 4/3 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SC/λ/SC/λ मिनिमम इक्वल टू 4/3। ये क्या है, एनर्जी, E/E मिनिमम इक्वल टू 4/3। तो E मिनिमम कितना हो जाएगा, इसको देखा जाए तो E मिनिमम इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 E के बराबर। ठीक है, 3/4 E के बराबर। तो E मिनिमम कितना हो जाएगा, E मिनिमम हमारा हो जाएगा, E की वैल्यू रखते हैं अगर 13.6, तो ये आ जाएगा 3/4 × 13.6। ये अगर वेवलेंथ हमारा मिनिमम हो रहा है तो एनर्जी हमारी कैसी आएगी, एनर्जी हमारी मैक्सिमम आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो एनर्जी हमारी कितनी आएगी, मैक्सिमम
नेक्स्ट कर ए रियल इन्वर्टेड इमेज करके मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, ठीक है। इमेज कैसी है? इन्वर्टेड रियल, यानी v इज इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव, और f इज इक्वल टू भी नेगेटिव, u नेगेटिव, तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे आपस में? नेगेटिव, रिप्रेजेंट बाय ग्राफ u v r कोऑर्डिनेट, ठीक है। u v ये क्या है? कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 1 by v is equal to 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, f सब में अब ऊपर मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाए? f by v plus f by u is equal to 1, ठीक है। किसके किसके? u by f, v by f is equal to क्या हो जाएगा? दोनों माइनस माइनस हैं तो ये क्या आ जाएगा? प्लस u by f, ये भी क्या आ जाएगा? प्लस, और दोनों प्लस किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ हमारा क्या है? ये है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट इन स्पेस, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव x एक्सिस विद स्पीड v फ्रॉम ए पॉइंट d कॉमा 0 0 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v फॉर व्हिच द पार्टिकल डज नॉट हिट y z प्लेन, मतलब y z प्लेन को हिट ना करें, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? r इज इक्वल टू mv अपॉन qv, क्रॉस करा है तो mv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r कितना दिया है? qv d, qv d अपॉन, इसको m को इधर लेते हैं, m को इस साइड लेते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? qv d by m के बराबर। इतनी वेलोसिटी से फेंका जाए तो yz को हिट नहीं करेगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड। देख लो नेक्स्ट कर ए गैल्वेनोमीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस जी इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, नाउ ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज। मेन करंट क्या है? अनचेंज। The resistance to be put in the parallel with the series combination of G and R. हमसे पूछ रहा है G और R का combination क्या होगा? ठीक है। पहला I current जा रहा है, फिर G एक R resistance है और S shunt कराया गया है, ठीक है। दोनों में current क्या है? Same है। दोनों में करंट सेम है। इसका कह रहा है कि हमें जी दिया है और इसके बराबर हो रहा है, तो जी इज इक्वल टू हम मानते हैं जी डैश। इसका जी डैश निकाले तो कितना हो जाएगा? जी आर जी प्लस आर इंटू एस अपॉन जी प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू किसके बराबर? जी के बराबर। ये हमसे बोल रहा है, इसको इस साइड लेके आया तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा g plus r s is equal to g plus r s is equal to g plus r g plus r plus s into g into g। तो यहां से s निकाल लेंगे, s इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा g स्क्वायर r प्लस g के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो g स्क्वायर बाई r प्लस g के बराबर आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। देख लो
इसका हमें फर्स्ट सर्किट का जी दिया था रेजिस्टेंस। नेक्स्ट ए ब्लॉक ऑफ मास एम केजी इज प्लेस इन एलिवेटर, ये हमारा कोई एलिवेटर है, एम मास का कोई ब्लॉक प्लस है हॉरिजॉन्टली सरफेस, द एलिवेटर मूविंग एट ए एक्सेलरेशन, ये इस एक्सेलरेशन से एलिवेटर मूव कर रहा है, तो ये हमारा आई में कितना कर रहा है 6i और वाई में 7j, ठीक है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कह रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका देखा जाए ऊपर भी जा रहा है इधर भी, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी एम जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव क्या होगा ऊपर जाएगा तो सीडो नीचे की तरफ तो जी प्लस 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 एम के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना आ गया एम जी प्लस 7 इतना। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये होता है म्यू एम के बराबर, म्यू कितना दिया गया है 0.5 इंटू एन 17 एम, पॉइंट हटाए 10, ये 2 से डिवाइड करेंगे 8.5 एम के बराबर, ठीक है। ये हमारा आ गया फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक। पहले चेक करें अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए एक्स, मास एम, एक्सेलरेशन कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 एम के बराबर। अगर अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही हो जाता है जितना अप्लाइड फोर्स हो, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, इतना नहीं होगा, हमारा इसके बराबर हो जाएगा, कितने के 6 एम के बराबर। देख लो नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स पी एंड क्यू आर प्लेस ऑन टू फ्रिक्शनलेस रेल्स आर एंड एस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट इन टू द प्लेन, इफ पी इज मूव्ड इन द डायरेक्शन शो इन फिगर विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड देन रॉड क्यू, ठीक है। ये एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये रॉड क्या करेगा, इसको क्यू जो है पी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ लेंज लॉ के, लेंज लॉ से हम क्या इसको वो करेंगे, ये रॉड इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब ये मूव इधर करेगा तो ये अपनी तरफ इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड पी, क्यू कहां अट्रैक्ट होगा पी की तरफ। नेक्स्ट, टू इंडक्टर L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड टाइम वेरी ए करंट फ्लो शोन, द रेशियो ऑफ करंट I1 बाय I2 एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, दोनों की पोटेंशियल पैरेलल में है तो V1 V2 के बराबर, तो L1 dI1 बाय dt इज इक्वल टू L2 dI2 बाय dt कैंसिल, L1 I1 is equal to L2 I2 के बराबर, तो I1 upon I2 is equal to क्या हो जाएगा L2 upon L1 के बराबर, यही आंसर पूछ रहा है, I1 upon I2 क्या होगा L2 upon L1 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, टू कॉइल ए एंड बी हैव कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इतना, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल ए चेंज बाय इतना वेबर इन इतना सेकंड ड्यू टू चेंज इन करंट बी देन, ठीक है, देन फाई इज इक्वल टू क्या होता है एम आई, ठीक है। फ्लक्स हमें चेंज कितना दिया है 4, म्यूचुअल इंडक्शन कितना है 2 इंटू आई, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 एम्पियर के बराबर, तो करंट कितना हो गया द चेंज इन करंट इन बी इन दिस टाइम इंटरवल इज 2
एम्पियर, ठीक है, कितना एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है, 2 एम्पियर का, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, देख लो, नेक्स्ट, कह रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, एक एक्स है और ये वाई, इनकी बाइंडिंग एनर्जी दी है ई वन और ई टू रिस्पेक्टिवली, टू न्यूक्लियस ऑफ एक्स फ्यूज, टू न्यूक्लियस एक्स के फ्यूज होकर बनाते हैं वाई, वन न्यूक्लियस वाई, द एनर्जी क्यू रिलीज, क्यू कितना रिलीज होगा, क्यू हमारा रिलीज होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी या प्रोडक्ट माइनस एनर्जी या रिएक्टेंट, तो एनर्जी या प्रोडक्ट कितना है, E2, E2 माइनस ये कितना है 2, x की कितनी है E1, इतनी एनर्जी हमारी रिलीज हो गई, E2 माइनस 2 E1 के बराबर, कौन सा आंसर बन रहा है, सेकंड, नेक्स्ट, ए बॉल रोल ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैक अवे विथ ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, द स्टेप आर इतना मीटर हाइट एंड इतना मीटर विड्थ, व्हिच स्टेप विल द बॉल फर्स्ट हिट, सबसे पहले कौन से स्टेप को हिट करेगी, ठीक है, ये एक प्लेयर है, ठीक है, आपने मान लिया एन स्टेप है, एन स्टेप, तो यहां से दूरी, ये दूरी वाई वाली एच हाइट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी एच हाइट हो जाएगी 0.2 एक स्टेप की इनटू हमने मान लिया एन स्टेप है ये, ठीक है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी किसके बराबर, रेंज के बराबर, अगर यहां से कोई बॉल हॉरिजॉन्टल फेंका गया है तो ये अगर मान लो इस स्टेप पे गिर रहा है तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही तो हो गई, तो ये कितना हो जाएगी 0.2 इनटू n के बराबर, n स्टेप है एक स्टेप की इतनी वैल्यू, ठीक, तो हमसे यही n पूछ रहा है कि n क्या होगा, तो सिंपली फार्मूला r इक्वल टू u, हम रेंज निकाल दें यहां से यहां तक, हाइट हमें पता है 2h / g से, ठीक है, r कितना है 0.2 इनटू n, 0.2 इनटू n is equal to u 1.8 under root 2 into 0.2 into n upon g की वैल्यू 10, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दें तो ये रूट घट जाएगा, यहां कर देते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.2 into 0.2 into n स्क्वायर is equal to 1.8 into 1.8, इसका क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा 2 इंटू 0.2 एन अपॉन 10, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटाए तो नीचे क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हटाए तो 100, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 से 1 2 कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल, 1 n से 1 n कैंसिल, n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू हो गया 1.8 into 1.8, इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये कितना हो जाए, 8 8 64 4 8 8 8 और 6 14, इसको किया जाए तो 8 और 1 4 8 4 12 2 दो एक तीन, ठीक है, 3 point something आ जाएगा, 3 point मान लो 4 2 कुछ भी 3.4 के अप्रॉक्स आ गया, ठीक है, तो ये n क्या है, n 3 से ज्यादा है, यानी ये किस पे गिर रहा होगा, 4th स्टेप पे, किस पे गिर रहा होगा बॉल, 4th स्टेप पे, तो ये कौन सा स्टेयर होगा, 4th, ठीक है, 3 से ज्यादा है यानी ये किस पे जा रहा होगा, 4th पे, कौन सा आंसर हो जाएगा, 4th, देख लो, नेक्स्ट, N1 एटम ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट N2 बीटा पार्टिकल, ठीक है, आर एक्टिविटी इज इक्वल टू
एन लैम्डा। तो एक्टिविटी हमें कितनी दी गई है, एन टू इज इक्वल टू एन वन लैम्डा। हमसे यही लैम्डा टी के कांस्टेंट पूछ रहा है, एन टू अपॉन एन वन के बराबर क्या हो जाएगा, एन टू अपॉन एन वन के बराबर कौन सा आंसर हो जाएगा। सेकंड देख लो, नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये हमारा m by l is equal to q by 2m, ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम में। तो एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट के, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n h upon 2 pi, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, n के पावर 1 के, किसके हो गया, m n के पावर 1। आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, करंट फ्लो इन कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ l, ठीक है, इट्स बेंड इन सर्किल, इसको बेंड करके क्या बनाया गया है, एक सर्किल, ठीक है, इट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमसे पूछा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्या होता है i a, ठीक है, और ये क्या हो गया i a सर्किल है y r स्क्वायर, इसकी पूरी लेंथ कितनी है l, l किसके बराबर होगा 2 pi r is equal to l के बराबर, तो यहां से हम r निकाल लेंगे, r is equal to कितना हो जाएगा l by 2 pi, ठीक है, इसको यहां रिप्लेस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i pi is equal to l square upon 2 का 4 pi square, 1 pi से pi कैंसिल, ये कितना हो गया i is equal to l square upon 4 pi के बराबर। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो गया I L square upon 4 pi के बराबर, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक मटेरियल इन द मैग्नेटिक फील्ड मूव, कहां से मूव करता है, स्ट्रॉन्ग टू वीक, कहां से मूव होता है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, A stone is thrown at 25 above the horizontal, एक ये stone है, horizontal से कितने पे फेंका गया है 53, कितनी velocity है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फिर कह रहे हैं एट व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी इज एट कितना बिलो द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से नीचे कितना 45 हमने मान लिया, यहां पे वो v वेलोसिटी से है तो ये 45, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा v cos 45, तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin 45, ये क्या हो जाएगा vy, ये क्या है vx, इसका कंपोनेंट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25 cos 53 और ये 25 sin 53 के बराबर, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, जीरो के बराबर, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी सेम, तो इन दोनों वेलोसिटी को क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल वाली को सेम, तो 25 cos 53 is equal to v cos 45, ये हो गया 25, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 by 5 is equal to v cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 by root 2, इसको डिवाइड करें 5 से, 5 3 15, v is equal to कितना आ गया, b is equal to आ गया 15 root 2 के बराबर, कितना आ गया 15 root 2 के बराबर, ये हमारी बेलो वाली वेलोसिटी मिल गई 45 से, कितना, ठीक है। अब ये निकाल सकते हैं
vy कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 root 2 into sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 by root 2, ये root 2 से root 2 कैंसिल, ये हमारा कितना आ गया 15, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद होगा, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, vy is equal to u minus gt, और इसको हम ऊपर भेज रहे हैं, तो इसको अगर पॉजिटिव माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, क्योंकि हम ये क्या कर रहा है 45 के बाद ये क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड हो जा रही है, वैल्यू हो जा रही है। अब सारी वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें, vy कितना है -15 is equal to u इनिशियल y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में u इनिशियल 45 sin 25 sin 53 minus g into t, ये कितना हो गया -15 is equal to 25 into sin 53 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 4 by 5 minus g t, इसको डिवाइड करें 5, ये हो गया 20, इधर लेके आए gt is equal to कितना हो गया 20 plus 15 is equal to 35, gt is equal to कितना आ गया 35, तो t is equal to कितना आ जाएगा, t is equal to आएगा 35 by g, तो t is equal to कितना हो गया 35 3.5 के बराबर, g की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये कितना जाएगा 3.5 के बराबर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3.5 सेकंड, आंसर कौन सा होगा थर्ड, देख लो एक बार अच्छे से, नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है इनका क्रॉस वेक्टर क्या होता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर कितना होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है यूनिट वेक्टर जो होता है ये पैरेलल होता है ए क्रॉस बी के और परपेंडिकुलर होता है ए और बी दोनों पे, तो हमसे यही पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा के बराबर, कोई बन रहा है आंसर थर्ड, देख लो नेक्स्ट, फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी के इज गिवन, के इज गिवन के इज इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कॉस की कितनी होती है, कॉस मैक्सिमम मतलब हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू 0 पे, और थीटा इज इक्वल टू 0 पे कितना होगा इसकी वैल्यू 1, तो 1 के बराबर होगी तो ये k मैक्सिमम कितना आ जाएगा k नॉट k ही बराबर, ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट ए वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज मूविंग पैरेलल टू इटसेल्फ विद स्पीड इतना एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है, द ईएमएफ डेवलप, ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है वी बी एल के बराबर, हमें वेलोसिटी दी गई है 1 इनटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 2 इनटू 10 की पावर -4 और लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई कराए तो कितना हो गया 1 इनटू 10 की पावर -4 के बराबर, तो हमारा ईएमएफ कितना आएगा 10 की पावर -4 के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो नेक्स्ट, कर अ फैन इज मूविंग अराउंड इट्स एक्सिस व्हाट विल बी इट्स मोशन रिगार्डिंग एज, हमारा जो फैन होता है उसकी एक्सिस क्या होती है, एक्सिस फिक्स होती है इसके अराउंड मूव करता है, जब एक्सिस फिक्स हो जाती है तो ये कैसा मोशन होता है, ये हमारा होता है प्योर रोटेशन, कैसा होगा प्योर रोटेशन, ठीक है रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में हमारा रोटेट भी करता है और आगे भी करता है, मतलब रोटेट भी करता है और ट्रांसलेट दोनों करता है, ठीक है तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट
two circular coil of radius r1 and r2, n1 and n2 are the placed concentrically in the same plane. ठीक है, एक ही plane है, same plane. ये हमारा concentric वो हो गया, जिसका क्या है common center. ये है r2, ये है r1, n1, n2. ठीक है. The mutual induction between them. हमसे क्या पूछ रहा है? Mutual induction इनके पूछ रहा है. ठीक है. तो NS is equal to phi S mutual induction. Current किसका होता है? Primary का. ठीक है. ये क्या होता है? ये हमारा होता है flux. तो secondary क्या है? And अगर इसके लिए लिखा जाए, NS is equal to इसमें क्या हो जाएगा? Magnetic field primary का होता है, area secondary का होता है. ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का होगा, एरिया सेकेंडरी का होगा, इक्वल टू एम आई प्राइमरी. ठीक है, इसको लिखते हैं. तो एन टू एन वन पहले के लिए म्यू नॉट बाई टू आई, आई किसका होगा प्राइमरी का आर वन, एरिया सेकेंडरी का पाई आर टू स्क्वायर इक्वल टू एम आई बी. IP से IP कैंसिल, M is equal to कितना हो गया? M is equal to हमारा हो गया mu naught by 2 N1 N2 N1 N2 और pi R2 square upon R1 के बराबर. ये बन रहा है, किस ऑप्शन में बन रहा है? R2 square, answer second. किसमें बन रहा है? Second में. देख लो. Next. Find the value of R for which the current in 6 ohm resistance will be zero. इसमें current क्या हो रहा है हमारा 6 ohm में? Zero. तो दोनों का current क्या होगा? बराबर I is equal to B by R से. ठीक है? I is equal to B by R से रखें. तो इसके लिए रखें तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 3 इज इक्वल टू, इसमें देखा जाए तो हायर पोटेंशियल क्या है 8 माइनस 3 अपॉन आर, यही हमसे आर पूछ रहा है. इसको सॉल्व करें, 12 में से आ गया 4 बटे 3 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5 बटे आर, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया 15 बटे 4 के बराबर, इतना ओम के बराबर. कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड. देख लो, नेक्स्ट. एट ए गिवन टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैज द रेशियो. ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? अंडर रूट गामा आर डी बाई एम के बराबर. तो बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट एम टू अपॉन एम वन के बराबर. ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 2. ऑक्सीजन का कितना होता है? 32. ये 16. तो 16 से रूट से बाहर आएगा कितना हो जाएगा? 1/4 के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड, 1/4 के बराबर. देख लो, नेक्स्ट. द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूव अलोंग सेमी सर्किल ऑफ रेडियस. ठीक है, ये हमारी एक सेमी सर्किल है. ठीक है, इसकी रेडियस आर है. तो हमसे पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, डिस्टेंस कितना चलता है? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं आर थीटा से. ठीक है, कितना एंगल चला? पाई. तो आर पाई के बराबर, आर पाई अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 आर के बराबर, आर से आर कैंसिल, पाई बाई 2 के बराबर. इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी? पाई बाई 2 के बराबर. आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड. देख लो, नेक्स्ट.
the value of LCR for a circuit ये हमें दिया है. What is the quality factor? Quality factor Q क्या हो जाएगा? 1 by R under root में L by C के बराबर. ठीक है, 1 by R की value कितनी है? 3 under root. L कितना है? 1. C कितना है? 9. तो ये कितना हो जाएगा? 1 by 3 into 1 by 3 यानी 1 by 9 के बराबर. कितना आ जाएगा? 1 by 9 के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड. देख लो. नेक्स्ट, टू पार्टिकल ए एंड बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड्स टी एंड इतना. ठीक है, द स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन. कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से. द फेज डिफरेंस बिटवीन देम व्हेन द पार्टिकल ए कंप्लीट वन ऑसिलेशन. कितना? वन ऑसिलेशन मतलब एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर ले. ठीक है, तो x1 is equal to a sin ओमेगा टी. ठीक है, तो इसको लिखें a sin ओमेगा 2 पाई. टाइम कितना लग रहा है? टी टी. x2 is equal to क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा, ओमेगा की जगह 2 पाई. टी की वैल्यू कितनी दी गई है? ये है 5t into 4 ये t. ठीक है, क्या करते हैं? फेज डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस ले लें. तो ये हमारा कितना आ जाएगा? डेल्टा पाई इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 2 पाई बाय टी इनटू टी माइनस ये हमारा हो जाएगा और 2 पाई इनटू 4 अपॉन 5t इनटू टी. यहां से कॉमन क्या कर लें? 2 पाई टी इनटू टी कॉमन कर लें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको कॉमन करें, 2 पाई बाय टी. तो यहां क्या बचेगा? 1 माइनस 4 बाय 5 इनटू टी. ठीक है, कह रहा है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, मतलब ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी क्या हो जाएगा? टी के बराबर. तो ये कैंसिल, 2 पाई 5 माइनस 4 1 बाय 5 यानी इतने के बराबर. कितना आ जाएगा? फेज डिफरेंस 2 पाई बाय 5 के बराबर. कोई आंसर मिल रहा है? सेकंड देख लो. नेक्स्ट, द बीटी ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड. ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट 4 सेकंड यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो बीटी, बीटी की एरिया जो हमें देती है वो डिस्टेंस देती है. तो ये पूरी की पूरी एरिया जितनी होगी वो क्या होगी? डिस्टेंस के बराबर. ठीक है, तो इसकी एरिया निकालते हैं. d is equal to ट्रायंगल है 1 by 2, बेस कितना है 4 into height 8, ये कितना हो गया 2, 8 दूनी 16, कितना मीटर के बराबर. कितना आ जाएगा? 16 मीटर के बराबर. कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड देख लो. नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल अल्फा. एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट कराया गया है u से अल्फा एंगल पे. ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पार्टिकल मेक्स एन एंगल बीटा. विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना बनाए? बीटा. मान लो यहां पे है, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है? बीटा. ठीक है, v वेलोसिटी. तो कह रहा है स्पीड चेंज टू v गिवन बाय. ठीक है, v हमसे पूछ रहा है कि कितना चेंज होगा. इसका कंपोनेंट करें तो ये क्या आ जाएगा? u cos अल्फा. ठीक है, इधर u sin अल्फा. इसका कंपोनेंट करें तो v cos बीटा, इधर v sin बीटा. ठीक है, दो पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? सेम. तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं सेम. u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा के बराबर. ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos अल्फा
अपॉन कॉस बीटा के बराबर, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। लेकिन इस फॉर्म में हमें आंसर नहीं दिया है, ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, u cos अल्फा, ठीक है, 1 अपॉन cos बीटा, 1 by cos बीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec बीटा के बराबर, क्या लिख सकते हैं, sec बीटा के बराबर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 4, देख लो। नेक्स्ट करंट ए मास m ऑफ इतना केजी, ये 100 केजी का एक मास दिया है, ठीक है, इसका वेट कितना लग रहा होगा, 100 g के बराबर, ठीक। सस्पेंडेड विद द यूज स्ट्रिंग ए बी एंड सी एज सोन, ए बी सी एंड सी सोन, वेयर w वेट वर्टिकली, वॉल r इज अ रिजिड हॉरिजॉन्टल रॉड, द टेंशन इन स्ट्रिंग b, ठीक है, हमसे इसका टेंशन पूछ रहा है, इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा, अगर मान लो हम इसका टेंशन मान लिया है t, ठीक है, t, तो इसका टेंशन कितना, इसका टेंशन मान लो हमने मान लिया है t1, तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, 45, तो इसके कंपोनेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t sin 45, ये t cos 45, ठीक है, t1, ये t1 माने हैं, t1, ये क्या है, t, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, t1 cos 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 के बराबर, मतलब t1 by √2, ये t1 by √2 किसके बराबर है, t के, किसके बराबर है, t के, जब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये इस ये टेंशन इसको बैलेंस कर रहा होगा, t1 sin 45 is equal to 100 g को, ठीक है, इसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, t1 by root 2 is equal to 100 g, और t1 by root 2 किसके बराबर है, t1 by root 2 t के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, t के, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 100 g के बराबर, तो b वाले का टेंशन कितना हो जाएगा, 100 g के बराबर, आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन वेलोसिटी ए प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज r फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन इफ t1 t2 आर द टाइम ऑफ लाइट इफ इन द टू केसेस देन t1 t2 किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सेम रेंज के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो t1 पहले के लिए लिखा जाए 2u sin थीटा by g, t2 इसका टू क्या हो जाएगा, 2u sin 90 माइनस थीटा by g, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u cos थीटा by g के बराबर। अब क्या करते हैं, t1 into t2 दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा, 2u sin theta into 2u cos theta by g into g, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेंज है, तो t1 into t2 is equal to 2 by g r के बराबर, ठीक है, तो t1 into t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r के, ठीक, यही आंसर पूछ रहा है, t1 t2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, r के, कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड देख लो। नेक्स्ट, ए बोट टेक 2 hours टू ट्रेवल 8 km एंड बैक इन स्टिल वाटर, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 8 km पर आवर देन टाइम टेकन टू गोइंग अप स्ट्रीम 8 km एंड कम बैक, ठीक है, जाने और आने का समय हमसे पूछ रहा है, तो t इसका टू कितना क्या हो जाएगा, कितना जा रहा है 8 km, ठीक है,
जब अप स्ट्रीम पे होगा तो हमारी टाइम क्या हो जाएगी, ये ऐड होगी, ठीक है, प्लस डाउन स्ट्रीम पे 8 माइनस 4 के बराबर, ठीक है, ये हमारा इतना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है, इतनी वेलोसिटी, ये हमारा कितना हो गया 8 बाय 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 अपॉन 4, ये हो गया 2, ये हो गया 4 दूनी 8 जाती है 12, इसको अगर मिनट में कन्वर्ट कर लें तो 2 इनटू 60 अपॉन 3 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 2 आवर्स 40 मिनट के बराबर, इसके बराबर हो जाएगा 2 घंटे 40 मिनट के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड, देखो एक बार नेक्स्ट। A polarized light of intensity I naught is passed through another polarizer whose pass axis make angle 60 with passes axis of the form. What is the intensity of the imaginary polarized light from second polarizer? ठीक है, second polarizer से intensity क्या होगी? Intensity हमारी होती है I naught cos square theta के बराबर। I naught cos की वैल्यू कितनी दी है 60, 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा I naught by 4 के बराबर, कितना हो जाएगा I naught by 4 के बराबर, कौन सा आंसर हो गया 4, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, टू वेव हैविंग द इंटेंसिटी रेशियो हमें ये दिया गया है, प्रोड्यूस इंटेंसिटी इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी इक्वल टू, मैक्सिमम के लिए क्या होता है, ये होता है अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू प्लस वन का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, करते हैं मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9 बाई वन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 9 बाई 1 माइनस वन का स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा ये कितना हो जाएगा 3 प्लस वन का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस वन का स्क्वायर, ऊपर कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 अपॉन ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 चार चौक के 16 4 के बराबर, 4:1 के बराबर क्या होगा इंटेंसिटी रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम 4:1 के बराबर। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है, ये हमारा क्या है रेफरेंस पॉइंट ओ 0, 0, ठीक है, ये 2m मास का है, ए ए एरिया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा यहां पे, कितने पे a by 2 कॉमा a by 2 पे, ठीक है, ये क्या है ये भी स्क्वायर है, तो इसका कितने पे लाई करेगा, ये हमारा करेगा a है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी a, ये दूरी कितनी हो जाएगी a, ठीक है, तो यहां कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहां कोऑर्डिनेट बनेगा यहां से देखा जाए तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा a और a 2a माइनस a के बराबर, ठीक है, 2a a तो ये हो गया और a ये है तो ओरिजिन से हमें देखना है तो 2a माइनस a के बराबर, ठीक है, तो निकालते हैं सेंटर ऑफ मास x cf x एक्सिस के लिए, पहले के लिए मास कितना है 2m, x में डिस्टेंस कितना है a by 2 प्लस इसका मास कितना है m, डिस्टेंस कितना है 2a अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना आ गया 2m और m 3m a अपॉन 3m, ये 3m से 3m कैंसिल a के बराबर, x is equal to कितना आ गया a, y is equal to निकाल लेते हैं, y is equal to कितना होगा यहां मास कितना दिया है 2m
डिस्टेंस ए बाई टू, ठीक है, प्लस इसका मास m, डिस्टेंस कितना दिया है माइनस ए, ठीक है, अपॉन 3m, ये 2 से 2 कैंसिल, m से m है, निगेटिव करेंगे तो ये कितना होगा 0, तो y में कितना आ गया 0 के बराबर, x में कितना है a, y में कितना है 0, तो हमारा कितना हो गया a के बराबर, नेट a के बराबर। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट, ठीक है, इसके ये किसके इक्विवेलेंट है, इसका क्या होता है a प्लस b, इसका a डॉट b के बराबर, ठीक है, हमें इसका पूछा है, ठीक है, नेट तो रखते हैं a प्लस b डॉट a b, ठीक है, ये प्लस होता है, ठीक है, इसको रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a डॉट a बार प्लस इसका कितना हो जाएगा a डॉट b बार, ठीक है, इससे पहले इसमें कराया फिर इसमें करा फिर b वाले को रखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस इसका हो जाएगा b डॉट ए बार, और ये इसका इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी डॉट बी बार के बराबर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ए डॉट ए बार और इसका कितना हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा बी डॉट बी बार के बराबर, ठीक है, और ये किसका होता है, ये हमारा होता है x और गेट का, किसका होता है x और गेट। नेक्स्ट कंसीडर ए सरफेस कंपोज्ड ए सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड रेडियस r माउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r as shown, ठीक है, a uniform electric field E exists in the region directed along axis of cylinder, the electric flux y is equal to क्या हो जाएगा EA cos theta, ठीक है, cos theta क्या है, cos theta हमारा 0, तो ये क्या हो जाएगा EA के बराबर, EA ये क्या है circular, तो ये cylinder है तो circle का क्या हो जाएगा y r स्क्वायर के बराबर, ठीक है, तो हमारा फ्लक्स कितना होगा पाई r स्क्वायर e के बराबर, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट थ्री रिंग ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट y डैश के अबाउट, इसके अबाउट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये रिंग है, रिंग के पहले के लिए क्या देख, अगर इसके हम इसको देखें तो इसके कहां से जा रहा है डायमीटर से, तो डायमीटर से रिंग का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, और ये दो है, ये दो इनके इस एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे पहले इनके डायमीटर से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, अब हमें क्या मिल गया इसके पैरेलल एक्सिस, तो अब हम क्या लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय टू और ये आर रेडियस का है तो प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर, और ये कितने हैं दो, तो हम क्या कर देंगे दो से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया थ्री एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू टू, टू से टू कैंसिल, तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई नेट हमारा हो जाएगा एम r स्क्वायर बाई टू प्लस थ्री एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा दो कॉमन करें छ एक सात सेवन बाई टू एम आर स्क्वायर के बराबर, नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ जाएगी सेवन बाई टू एम आर स्क्वायर के बराबर, कौन सा आंसर हो गया फोर्थ।
नेक्स्ट करा इन आइसो सेल्स प्रिज्म ऑफ एंगल ए इक्वल ए इक्वल टू हमें कितना दिया है 30 हैज वन ऑफ इट्स सरफेस सिल्वर्ड ए किसकी सरफेस क्या कर दी गई है पॉलिश कर दी गई है लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 इंसिडेंट एंगल कितना दिया है 60 ऑन द अदर सरफेस रिट्रेस द पाथ क्या कर रहा है रिट्रेस मतलब ये जैसे जाएगी ठीक है टकराएगी और टकरा के फिर क्या कर जाएगी पीछे आ जाएगी मतलब R2 equal to हमारा क्या है 0 और R2 0 है तो R1 plus R2 equal to क्या होता है प्रिज्म एंगल के बराबर ये 0 हो गया तो R1 हमारा क्या हो जाएगा प्रिज्म एंगल के बराबर R1 क्या हो जाएगा प्रिज्म एंगल के बराबर हमसे क्या पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू साइन थीटा इंसिडेंट अपॉन साइन थीटा रिफ्रैक्टेड कितना है साइन 60 अपॉन साइन 30 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 2 से 2 कैंसिल कितना आ गया रूट 3 के बराबर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 के अप्रोक्स कोई आंसर पता है थर्ड देख लो नेक्स्ट कराई टू लाइट रे इनिशियली इन द सेम फेस ट्रेवल थ्रू टू मीडियम ऑफ इक्वल लेंथ ठीक है दोनों मीडियम की लेंथ क्या है इक्वल है ठीक एल Having refractive index mu1 and mu2, mu2 is greater than mu1, as shown in the figure. If the wave length of the light ray air is lambda, then the phase difference, हमसे क्या पूछ रहा है? Phase difference क्या होता है? ये होता है, delta pi is equal to path difference क्या होता है? 2 pi by lambda, ठीक है? अब क्या है? दो medium. तो thickness क्या होता है? mu1 minus mu2 इनटू एल के बराबर ठीक है ये डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ दिया है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड देख लो अच्छे से थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो